हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखिए पिछली क्लास में डिस्कस किया था गॉस लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बाय गॉस लॉ। ये गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज और देखेंगे इसमें क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, हिंदी में बोले तो समरूप आवेश गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम एक कंसिडर करते हैं एक स्फेरिकल सेल। तो हमने एक स्फेरिकल सेल कंसिडर किया, ये लीजिए, ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमने कंसिडर कर ली आर। ये आर इसकी रेडियस है और ये ओ इसका क्या है, सेंटर है। अब देखिए समझिए क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो हमने क्या कंसिडर किया कि इसको चार्ज दे दिया, मतलब चार्ज बना लीजिए, ये यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है, यानी कि समान रूप से इस पे क्या है, आवेश है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर एक बात और बोली हुई है, स्फेरिकल सेल यानी गोली कोष, इसका मतलब होता है खोखला, मतलब एक गोला है, स्पेयर है, जो अंदर से क्या है, एम्प्टी है कंप्लीटली। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियस बात है, जो भी इस पर चार्ज होगा वो कहां होगा, इसकी सरफेस पर, अंदर तो होगा ही नहीं, क्यों, अंदर कुछ है ही नहीं, खोखला बिल्कुल एम्प्टी है, दैट्स व्हाई। अब देखिए स्टूडेंट, इस स्फीयर पर, इस स्फेरिकल सेल पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आवेश समान रूप से वितरित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कितने पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, उसके हैं तीन पॉइंट, कौन कौन से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ भी यहाँ फाइंड आउट करना चाहूँ, तो एक तो ये हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, इस स्फेरिकल सेल से बाहर की ओर हो गया, ठीक है ना। दूसरा काम, पहला तो आउटसाइड पे हो गया, दूसरा इसकी सरफेस पे भी कंसिडर कर सकता हूँ, यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा पॉइंट का निकालना है मुझे, सरफेस पे, भाई बाहर तो कहीं भी निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ यहाँ इस तरफ कहीं भी निकाल लो, बाहर की बात अलग होगी, और एक इसकी सरफेस पे, सरफेस पे इधर इधर कहीं भी निकाल लीजिए, सेम आएगा जगह, ठीक है। और तीसरा हम कहाँ निकालेंगे, अंदर इस स्फेरिकल सेल के अंदर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको ध्यान रखना है, इस स्फेरिकल सेल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, और उसके लिए तीन पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, बाहर, सरफेस पर और अंदर। तो सबसे पहले आइए हम निकालेंगे बाहर, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए मैंने माना कि आउटसाइड पे एक पॉइंट लिया पी, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो ये पी पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ हो से तो ये डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट, और ये है आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब स्टूडेंट समझिए, देखिए सबसे पहले स्टेप क्या है, पहले स्टेप आपको करना क्या है, एक सरफेस अज्यूम करनी है। देखिए ये सरफेस कैसी है, स्फेरिकल सेल है, तो हम एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करेंगे, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अज्यूम करेंगे कहां पर, पी पॉइंट पे, कितनी रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस की स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करेंगे इस पी पॉइंट पर। तो ये लीजिए, ये पहली स्टेप आपको ध्यान रखना है, गॉस लॉ को, गॉस लॉ की हेल्प से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से निकालोगे। तो मैंने क्या कर लिया, इस पी पॉइंट पर स्फेरिकल गॉस सरफेस अज्यूम कर ली, इस सरफेस को हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस, क्या बोलेंगे, गाउसियन, गाउसियन सरफेस, यानी कि गाउसिय क्रस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि हमने माना अज्यूम किया है गॉस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया, पी पॉइंट पर गाउसियन सरफेस अज्यूम किया। अब इस सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है ना, कैसा है, स्फेरिकल है, इस सर्फेस इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और ये जो अंदर वाला है इसकी कितनी है, कैपिटल आर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, इस पी पॉइंट पर, ध्यान रखिए इस पी पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इससे दूर इस ओर, और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी ओर हो जाएगा स्टूडेंट, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, भाई ये इस तरीके से सर्फेस अज्यूम किए, तो इस स्फेरिकल सरफेस पे उसी पॉइंट पे हमने अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो उससे परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फिर से देख लीजिए,
या इस पी पॉइंट पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, इस पोल। साथ में अगर इसका एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान रखिए मैं सदिश क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, पी पॉइंट पर स्मॉल से पार्ट की, इतना सा स्मॉल पार्ट मान लीजिए, तो उसका क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा सदिश क्षेत्रफल में। यानी यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, जीरो आ गया। अब स्टूडेंट देखिए बाहर के हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, देखिए पहला सबसे पहले कहाँ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड ऑफ स्पेयर, यानी कि गोले से बाहर, गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ये क्या हो गया, गोले से बाहर यानी यहां पर निकालते हैं तो ये R बढ़ा है इससे, तो R ग्रेटर देन R, ठीक है। अब देखिए मैंने कल आपको एक इक्वेशन बताई थी, गॉस की इक्वेशन फ्लक्स के लिए, पाई की इक्वल टू क्या हो जाती है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो ये क्यू है, ये मान लीजिए इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज कंसिडर किया है ना, वो ये क्या है, टोटल क्यू है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो डिग्री, ठीक है ना, आपको पता है। देखिए यहाँ पर थीटा कितना हो गया, जीरो, तो यहाँ पर क्या आ गया, ई डी एस कॉस जीरो डिग्री और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना सा हो गया। आगे देखिए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, यानी कि कॉस जीरो डिग्री का मान होता है वन, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सॉल्व की, इतनी आपकी आगे आ गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतने से को आगे चल रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ मेरे वाले पार्ट, ठीक है। चलिए देखिए आगे, यहां पर क्या करें, इको बाहर ले लें तो ये बच गया डी एस, यानी कि क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है इसलिए डी एस, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर ई और डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह जो ये सरफेस एस आया है वो किसका एरिया है, कंप्लीट स्फीयर का, कौन से वाले का बात करें, किसकी बात करें अपन, इस वाले गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं अपन, रखिए यहाँ पर, क्योंकि आर पे निकाल रहे हैं अपन, पी पॉइंट पे निकाल, पी पॉइंट पे निकालेंगे तो ओ से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है आर, यानी इस स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई आर, ये आपको ध्यान रखना है। हम इस बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं, स्फीयर की बात कर रहे हैं, ये वाला जो गॉसियन सरफेस है स्टूडेंट, तो इसका अब ये एस, तो बताइए स्फीयर का एरिया क्या होगा, फोर पाई स्मॉल आर, कैपिटल आर ध्यान रखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा सॉरी यहाँ पर, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या करेंगे नीचे ले जाए इसको, ई क्यू अपॉन फोर पाई नीचे जाएगा डी एप्सिलॉन साथ में, और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इधर रफ कर रहा हूँ, आगे देखिए इसको, देखिए यहाँ क्या हो गया, ई इक्वल टू ये क्या बन गया, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बन गया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लीजिए आपका ये क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया आपका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई क्या होती है आपकी, बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, ये वाला होगा, आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर निकाला, आउटसाइड पर, आउटसाइड के लिए वो लिख दिए ई आउट पर, हम निकाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ओके। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड केस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे अपन, देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट पॉइंट में निकालना अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट सरफेस ऑफ स्फीयर,
यानी कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह पर निकाल रहे हैं सरफेस पे। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस बार हमें जो गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमारा स्फेरिकल था ही। अब हम क्या कर रहे हैं, सरफेस पे निकाल रहे हैं, सरफेस ये हो गया इसका, ये सरफेस हो गया। तो यहाँ पर पी पॉइंट लेंगे, ये लीजिए ले लिया। तो इस सरफेस पे अब देखिए इसकी रेडियस कितनी होगी, आर इक्वल टू आर मैंने यहाँ पर। अब क्या होगा, ये आर वही आर इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे ना, ये मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए भाई हाँ मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम की है, यानी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली पढ़ने इस पी पॉइंट पर। तो इस आवेश के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है इसी और होगी, और यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर देखें तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सी और होगी इस पर। तो अगेन और ई और डी एस में सेम डायरेक्शन, यानी एंगल कितना हो गया, जीरो। तो अगेन आइए वही फॉर्मूला ई डी एस, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूरी गॉस की एप्लीकेशन में काम आता है, ध्यान रखिए आप लोग ये वाला। अब देखिए अगेन वो एंगल तो कितना हो गया, जीरो। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही ये हट गया तो ई को बाहर लेंगे तो डी एस बन गया। तो यहां पर ई इंटू एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, क्योंकि हम बात देखी है स्मॉल आर लिखी है बट कैपिटल आर, लेकिन क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है तो कैपिटल आर लिखेंगे यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम ही है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस पे निकाल रहे हैं। तो नीचे लेके जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दूंगा और आर स्क्वायर बाद में, और क्यू तो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं अपन के। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कहाँ हो गया आपका सरफेस पे। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ ताकि बाद में काम आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2, इस बाहर है इस सरफेस पे निकाल ली, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। दूसरी वाली बस किया क्या है, देखिए इस कुछ नहीं करना, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आए तो इस स्मॉल आर की जगह क्या लिख दो, कैपिटल आर लिख दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां बोल दिया कि स्मॉल आर इक्वल टू है कैपिटल आर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है तो उस पर्पज से। थर्ड चलते हैं अपन इनसाइड का, थर्ड लास्ट एंड फाइनल केसेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट इनसाइड ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर की ओर कहीं भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप और अपन चलते हैं अंदर की ओर फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आर लेस देन आर, इस जगह पर निकालेंगे अपन, ठीक है, यहां पर निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ज़ूम करेंगे कि नहीं, इसको रफ कर रहा हूं दोबारा बनाने के लिए, ध्यान रखिए डायग्राम दोबारा हर बार आपकी कॉपी में मेंशन होनी चाहिए। ये अपना तो कैपिटल आर है, ये तो इस पे क्या था, चार्ज था, लेकिन स्टार्टिंग में याद तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या कि इस ये कैसा है, इस पे निकल, यानी अंदर से कैसा है, खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला है, एम्प्टी है। तो क्या इसके अंदर आवेश होंगे, नहीं, इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं, तो क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिकल डेंसिटी बनेगा, नहीं बनेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर होगी नहीं, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है, ठीक है ना। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, जीरो, उसको देखते हैं अपन। लेकिन पहले देखिए हमने अंदर देखना है, तो अंदर हम पी पॉइंट ले लिए यहाँ पर, ये लीजिए, और इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर रेडियस ले ली, वही गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लीजिए, ये लीजिए कर लिया। अब अपन इतने से पार्ट की बात करेंगे, बाकी से मतलब नहीं अपने को। तो देखिए अपन इसको समझते हैं, देर इज, मैं इसको पहले लिखता हूं, देर इज नो चार्ज इनसाइड ऑफ स्पेयर, सो देर इज नो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ स्पेयर। इसको देखिए, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। इसको समझना हो तो ऐसे भी देख लीजिए। देखिए, ये फॉर्मूला अपना है EDS cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पर Q ही जीरो है स्टूडेंट, तो Q का मान ही जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली बात है E ऑटोमेटिक क्या बन गई, जीरो बन गया। कहाँ पर? अंदर, E इन। तो ध्यान रखिए, आपको सिंपल से करना है कि कोई भी, देखिए स्पेरिकल सेल है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा कैसे, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। सो ई इन विल बी जीरो। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आपकी। तो यहाँ पे देखिए, मैं साइड लिख रहा हूँ ई इन इक्वल टू जीरो, ये पहली, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। अब देखिए, एक स्पेरिकल सेल लिया अपने, इस स्पेरिकल सरफेस, जब हमने स्पेरिकल सेल लिया था तो हमने तीन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट की, एक बाहर, एक सरफेस पे और एक अंदर। अब तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरी करती है, हम देखेंगे बाय ग्राफ। देखिए, आप नोट कर लेना। देखिए, अपने तो ये हमारा आर यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आर इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाहर जाएंगे तो सरफेस आएगा, यानी आर बराबर आर, तो हम ये ले रहे हैं आर इक्वल टू आर, और ये जो वाला पार्ट है ये आर ग्रेटर देन आर वाला पार्ट है, इससे आगे वाला। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे ई इन, ई इन अंदर, यानी यहां से पहले यहां तक का पार्ट अंदर ही है, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, अंदर ही है, इस स्पेयर के अंदर का पार्ट हो रहा है। तो ई इन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, मतलब डिस्टेंस अंदर कितनी भी हो उससे मैटर नहीं करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, यानी विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, जीरो। तो देखिए यहां से यहां तक क्या रहेगा, जीरो। तो आप इस तरह से डार्क करके इसको दिखा दीजिए, यहां पर यहां लिख दीजिए ई इन इक्वल टू जीरो, पहला पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट, यहां पर ये कौन सी बात है, ये सरफेस की बात है, यानी यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस की, सरफेस यानी सतह। तो स्टूडेंट, सतह पे फॉर्मूला क्या है, ये रहा हमारा, ये क्या है, रेडियस, रेडियस तो फिक्स होती है, के फिक्स है, क्यू फिक्स है, मतलब सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो आएगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो मान लिया हमारी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ये है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस जगह पर, ठीक है। अब सरफेस से हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, इससे हम जैसे जैसे बाहर निकलेंगे, तो देखो हमारी क्या बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी बच्चों, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। और हमने ये पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब इस तरह होगा तो इस तरह का ग्राफ बनता है, और ई इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये आपका क्या आ गया, ओवरऑल ग्राफ आ गया। फिर समझ लीजिए, यहां से यहां तक अंदर की बात हो रही है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना है, जीरो है, ये सरफेस की बात है, सरफेस पे अपना ये होता ही है, और सरफेस से जैसे ही बाहर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और एक टाइम पे जाकर जैसे जैसे इंफिनिटी पहुंचेगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका प्लॉट ग्राफ है, ये आपका ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी कि समरूप आवेश गोले को उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट है, आप इसको ढंग से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके स्टूडेंट,